नमस्कार दोस्तों, मार्केट में डेली बेसिस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रहा है। इस टाइम में कोई भी कंपनी को निवेश करने से पहले हमेशा आपको डीपली रिसर्च करना होगा, क्योंकि देखिए आप मार्केट जब करेक्शन हो रहा है उस टाइम अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी हो तो वो कंपनी जब मार्केट रिकवरी करेगा तो बहुत तेजी से वो रिकवरी करेगा। अगर आपने गलत कंपनी को निवेश कर दिया जिसका फंडामेंटल ठीक नहीं है और वो अभी गिर रहा है, आपको लग रहा है कि वो सस्ते में दे रहा है, तो बुरी तरीके से वो आपको फंसाएंगे। इसीलिए आज मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा वो एक प्राइवेट बैंक है और मुझे लगता है इस बैंक का स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है अपकमिंग टाइम में बहुत बड़ा जर्नी होने के लिए। साथ ही साथ मुझे एक स्ट्रांगली टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी देखने को मिला है जो मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक लेवल देखने को मिला। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सारे पॉइंट्स एज एजुकेशन पर्पज में होगा। मैं सिर्फ आपको सारी चीज समझाना चाहता हूँ, कोई भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेवी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे दोस्त मेरे वीडियो को देखते तो रहते हैं मगर अभी तक लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज दोनों ही कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली मैं इस तरीके से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो कंपनी का नाम कौन सा है, कंपनी का नाम एक्चुअली बैंक का नाम कौन सा है, आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक आप सभी जानते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन भी है कि सर उज्जीवन बैंक में 8.20 समथिंग 8.50 समथिंग एफडी का रेट मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और यहाँ पे 7.85%, तो बहुत तो कम है। देखिए उज्जीवन बैंक क्या होता है, उज्जीवन बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रेवेन्यूज आ रहा है वो हमेशा छोटे बिजनेस के ऊपर, मतलब माइक्रो फाइनेंस के ऊपर बिजनेस आ रहा है। तो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, जो बैंक काम कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है और फिर उसका रेवेन्यू ज्यादा मिलता है और उसके कारण वो कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट मतलब फिक्स डिपॉजिट का रेट दे पाते हैं। और आईडीबीआई बैंक तो कोई छोटा मोटा बैंक है नहीं, एक बड़ा बैंक है, तो इसीलिए इसके कारण वो इंटरेस्ट मार्जिन को भी सही तरीके से सही ढंग में पेश आउट करते हैं। अगर मैं आईडीबीआई के मतलब बैंक के मार्केट कैप के बारे में बात करूं अराउंड 82,000 करोड़ के आसपास है। तो इस बैंक का खासियत पॉइंट क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए किसी भी बैंक का सबसे बेस्ट पॉइंट आपको जो देखना पड़ता है वो है कासा रेशियो, CASA। तो कासा रेशियो का मतलब क्या है, CA का मतलब है करेंट अकाउंट और SA का मतलब है सेविंग अकाउंट, दोनों को एक साथ कहा जाता है कासा रेशियो। अभी ध्यान से समझना, कासा रेशियो किसी भी बैंक के लिए मतलब एक ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर बंद हो गया तो बैंक खत्म हो जाएगा। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों, देखिए कासा रेशियो में जो लोग करंट अकाउंट में बैंक में पैसा रख रहा है उसके लिए एक रुपया भी चार्जेस बैंक को, तो उस व्यक्ति को नहीं देना पड़ रहा है, उस बिजनेस को नहीं देना पड़ रहा है। सेविंग अकाउंट में मान के चलिए मैं सेविंग अकाउंट में पैसा रखा तो उसमें कुछ कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3%, 3.5%, 4%, उससे ज्यादा तो नहीं है। मतलब सस्ती इंटरेस्ट से बैंक को क्या मिल रहा है, पैसा। और यही पैसा जितना ज्यादा बैंक में आएगा वो भी कासा रेशियो के माध्यम से, वो बैंक के लिए खास पॉइंट है। देखिए बैंक मान के चलिए मार्केट से हम लोगों के पास से 3% की पैसा उठाया, 3% इंटरेस्ट हम लोगों को देने वाला है, उस 3% के इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक ने पैसा उठाया और उसी पैसे को बैंक ने क्या किया, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट में लोगों को लोन दे दिया। तो सीधा सीधा कहूं तो 10% 3% माइनस कर दीजिए, उसके साथ एक्स्ट्रा 2% खर्चा भी जोड़ लीजिए, तो ओवरऑल फिर भी 5% बैंक के हाथ में पैसा रहेगा। तो इंपॉर्टेंस पॉइंट यही है कि कासारे से जितना पैसा आएगा बैंक के हाथ में वो बैंक उतना स्टेबल हो पाएंगे। अब ये देखना है कि आईडीबीआई बैंक का कासा रेशियो कितना है, अगर मैं गूगल में जाकर सीधा सीधा सर्च करूं तो कासा रेशियो है 48%, मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। क्योंकि इसी तरीके से आप इंडिया के बेस्ट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक का अगर कासा रेशियो देखे तो वो कितना है, आप गूगल में जाकर सारे सर्च कर सकते, देखिए 38%, एकदम ना के बराबर। उसी तरीके से आप आईसीआईसी बैंक का भी सर्च कर लीजिए, आईसीआईसी बैंक, तो उसका भी हालत देख लीजिए, उसका हालत भी कितना है, अराउंड 40% के आसपास, तो सॉरी इसका कासा रेशियो 42% के आसपास, तो उससे भी कई गुना ज्यादा आईडीबीआई बैंक का है। हाँ आप कहेंगे सर ऐसे कोई प्राइवेट बैंक है नहीं क्या उसका कासा रेशियो ज्यादा है, बिल्कुल है, कोटक महिंद्रा बैंक का। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो कासा रेशियो है वो भी 43%, मतलब देखा जाए तो ओवरऑल आईडीबीआई बैंक के पास, तो आईडीबीआई बैंक का कासा रेशियो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। मतलब पैसा ज्यादा से ज्यादा मार्केट से उठा पा रहा है और पब्लिक से उठा पा रहा है, पब्लिक से जितना ज्यादा पैसा उठा पाएंगे उतना ही वो इजिली मूव कर पाएंगे। तो एक क्लियर कट तो विजन तो देखने को मिल चुका है। तो अभी चलो एक पॉइंट मुझे बेस लगा, दूसरा पॉइंट चलो वो भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए कंपनी का आरओई, अभी आरओई होता क्या है, रिटर्न ऑफ इक्विटी,
किसी भी बैंक के लिए रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। पार इक्विटी में कितना कंपनी रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो देखिए अभी 14.25% जो पहले एक टाइम नेगेटिव में था, 44% के आसपास नेगेटिव था, उससे रिकवरी करके कंपनी 14% तक लेके गया। ये भी पॉइंट बेस्ड है। आरओए रिटर्न ऑफ एसेट, तो आरओए का रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूं वो भी नेगेटिव में था, आज पॉजिटिव में है। एनपीए, इसके बारे में तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एनपीए किसी भी बैंक का अगर घट रहा है तो वो बैंक बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। मान के चलिए आपके आपने 100 रुपया दो व्यक्ति को लोन दिया, मैं बार बार एग्जाम्पल इसको इसीलिए देता हूँ, 100 रुपया दो व्यक्ति को लोन दिया 50-50 करके, और आपने कहा कि जब तुम लोग वापस करोगे तो मुझे 10% मतलब तुम ए व्यक्ति को 55 रुपया वापस करना पड़ेगा और इस व्यक्ति को 55 रुपया वापस करना पड़ेगा, तो मेरे पास कितना आएगा 110, मतलब 100 रुपया मैंने निवेश लोन दिया और मुझे 10% का इंटरेस्ट मिला, 110 रुपया हो जाएगा। तो सोचिए एक व्यक्ति ने मान के चलिए 55 रुपया दे दिया इंटरेस्ट के साथ, दूसरे व्यक्ति बता रहा है कि चलो मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं 45 रुपीज तक दे पाऊंगा, उसके बाद मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो कितना मुझे पैसा मिलेगा, 5-5 0 और 4-1 5 और 1-7 100, तो मतलब 100 रुपया मिला मुझे, तो 100 रुपया मिला, मेरा पैसा ही मुझे मिला, मगर मेरा जो खर्चा हो गया, इंटरेस्ट हो गया, मेरा जो ऑफिस का खर्चा है वो जो मेंटेन कहां से मिलता, ये 10% इंटरेस्ट से मिलता, तो इंटरेस्ट तो मिला ही नहीं, तो उल्टा मेरा लॉसेस हो गया। तो जितना पैसा 10% जो 10 रुपया मुझे नहीं मिला, यही पैसे को कहा जाता है एनपीए, मतलब वो पैसा अभी बाद में मुझे मिलेगा नहीं, तो वो बैंक क्या करते हैं उसको एनपीए दिखा देते हैं। तो एनपीए जितना कम होगा उतना ही बैंक के लिए खास होगा, तो एनपीए यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से काम किया। 4% एनपीए था, वो घटते घटते हर साल घटते घटते 0.34% आ चुके हैं। अभी देखिए एनआईएम भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए कंपनी का सीएआर परसेंटेज यहाँ पे देखिए 22% के आसपास है। अभी सीएआर परसेंटेज होता क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब आरबीआई ने एक रूल्स जारी किया कि हर बैंक के पास पैसा जरूर होना चाहिए, वो भी बैंक के पास करीबन 11% के आसपास पैसा होना जरूरी है। तो 11% पैसा इसीलिए रिजर्व रखा जाता है क्योंकि कोई भी कस्टमर जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, कोई एफडी में पैसा रखा, आज से कल जाकर वो विथड्रॉ कर सकते हैं। अगर बैंक के पास रिजर्व नहीं रहे तो वो सारा पैसा अगर लोन दूसरों को दे दे तो बैंक को वो पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए आरबीआई ने रूल्स को चेंज किया और परसेंटेज रखने के लिए बोला। और उसके साथ देखिए कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, अभी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या होते हैं, देखिए बैंक्स को जो जो पैसा देना है, जिसको देना है, जैसे मान के चलिए मैंने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा तो मुझे तो वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैं एफडी किया तो मुझे भी तो इंटरेस्ट देना होगा, तो ये पैसा बैंक के लिए एक लायबिलिटीज है, उसको देना होगा, तो वो परसेंटेज कितना है 4%, तो ये अगर 3-3.5% के आसपास होता तो ठीक ठाक होता, या फिर थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा, तो पैग रेशियो तो ठीक है 1% के नीचे है, तो ओवरऑल 90% इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक देखने को मिला है, मुझे तो ठीक ठाक देखने को मिला। देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज होते हैं, मैं जिस लॉजिक के हिसाब से काम करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ता है, कंपनी का आरओई भी ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी तो ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के इस बार रिजल्ट, देखिए 6000 से सीधा सीधा 7400 बने, ओवरऑल 1400 करोड़ के आसपास ज्यादा कंपनी के रेवेन्यू बने, जो पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा है। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 1300 से 1800 करोड़ बन चुके हैं, मतलब आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो सोचिए जो कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रहा है, बाकी परफॉर्मेंस अच्छा है, तो क्या वो कंपनी आज जो करेक्शन हो रहा है मार्केट नेगेटिव के कारण, क्या वो रिकवरी नहीं करेगा जब मार्केट रिकवरी करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसके लिए आपको सारे पॉइंट्स इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि लोग डरता है, लोग इसीलिए डरते हैं कि मार्केट गिर रहा है, कंपनी खत्म नीचे आ रहा है तो मेरा पोर्टफोलियो रेड हो रहा है। देखिए मेरे खुद का भी पोर्टफोलियो रेड हो रहा है, क्या मैं मार्केट बेचकर भाग जाऊं? बिल्कुल नहीं। ऐसे ये तो छोटा मोटा करेक्शन है, कोविड के टाइम में तो पूरा मतलब नेगेटिव में चला गया पोर्टफोलियो, तो वहां से कितना ज्यादा रिटर्न मिला आप तो आज देख ही सकते हैं। तो पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंस होते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक होने के लिए आपको कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना होगा। तो मैं सारे पॉइंट्स आपको डीपली आपके साथ शेयर करता हूं, तो इसलिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स में रिसर्च करके आपके साथ लेके आता हूं आपके लिए ही, आपको समझाने के लिए, सारे चीजों को सिखाने के लिए। मेरा कोई एक भी मकसद नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली बोलूं कि इसके ऊपर बाय करो, उसके ऊपर सेल करो, ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। अगर होता भी तो भी मैं आपको इस तरीके से डायरेक्टली कोई रिकमेंडेशन नहीं करता। तो देखिए कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में एक बार बात करूं तो आप सीधा सीधा कहो तो कंपनी का देखिए जो बोरिंग्स है वो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं क्योंकि पहले जो बोरिंग्स था उसके बाद कंटिन्यूसली घटते चले जा रहे थे, जितना खुद के
कर्जा घटेंगे उतना कंपनी का रेवेन्यू घटेगा, क्योंकि लोगों को लोन कम देंगे तो उसका इंटरेस्ट भी तो कम मिलेगा। तो अभी देखिए धीरे धीरे करके उसको फिर से रिकवरी कर रहा है, ये एक मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर देखिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत शानदार है। उसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, हम देखिए इसका प्रोमोटर इसका मेनली इन्वेस्टर है, तो प्रोमोटर ने माल नहीं बेचा तो इसलिए इंस्टीट्यूशन खरीद नहीं पाए। FSDS के पास जितना होल्डिंग था उतना ही है, पब्लिक के पास भी जितना होल्डिंग था उतना ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर पब्लिक ज्यादा माल उठा के रखे है, FSDS ने क्यों नहीं माल उठाया, क्योंकि देखिए 94% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है और प्रोमोटर के पास होने के कारण इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जब तक 75% का होल्डिंग प्रोमोटर रखकर बाकी माल को नहीं बेचेंगे तब तक इंस्टीट्यूशन नहीं उठाएगा। अभी सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनी का प्रोमोटर के पास 75 से ज्यादा परसेंटेज होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने दिन से होल्डिंग क्यों है, क्योंकि प्रोमोटर कौन है वो भी तो देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब सरकार खुद इसका प्रोमोटर है, सरकार खुद इस कंपनी को अर्न करते हैं, खुद इस कंपनी को चलाते हैं। तो उस हिसाब से इतना जल्द से जल्द तो वो प्रोमोटर खुद बेचेंगे नहीं, टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, हमको प्रोमोटर है, इन्वेस्टर है, कोई बात नहीं, कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो उसके ऊपर हम लोग सोच सकते हैं। अभी चलो टेक्निकली चार्ट बैलेंस के बारे में बात करूं। सबसे पहले मैं 1 मंथ के चार्ट बैलेंस आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से देखना, कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं, तो लोगों के मन में यही डाउट है कि खास परफॉर्मेंस हुआ कि नहीं। मैं पहले बता दूं, सरकारी कंपनी है, जब तक उसका स्टेक बेचा नहीं जाएगा तब तक वो मोमेंटम उतना नहीं होगा। फिर भी अगर मैं टेक्निकली देखूं तो यहाँ पे मुझे 1 डे कैंडल में एक पैटर्न देखने को मिला। इस पैटर्न को मैं अगर यहाँ पे मार्किंग करूं तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए एक टॉप बने, यहाँ पे एक टॉप बने, ऑलमोस्ट टॉप बने, यहाँ पे एक टॉप बने और यहाँ पे टॉप बने। तो इसको अगर ये कनेक्ट करूं तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट करूं तो एक मुझे शोल्डर देखने को मिला, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे एक मुझे हेड देखने को मिला, लंबा सा हेड देखने को मिला, उसके बाद छोटा सा एक क्या बना, एक शोल्डर बने। मतलब यहाँ पे देखिए बहुत सारे शोल्डर बन चुके हैं, फर्स्ट यहाँ पे बने, दूसरा यहाँ पे भी बने और तीसरा यहाँ पे भी बने, मतलब कंटिन्यूअसली यहाँ पे शोल्डर बनते रहे। तो जब भी कोई स्टॉक के ऊपर इस तरीके से कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस होता रहे और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब क्या है, कोई भी कैंडल को इस लाइन को तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग होना होगा, तो उसको कहा जाता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन। इसको अगर मार्किंग करूं तो कुछ इस तरीके से लेवल्स देखने को मिला और मार्किंग करने के बाद देखिए कंपनी वहां से कच्चा खासा करेक्शन भी हो रहा है। तो करेक्शन जो हो रहा है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कंपनी का स्ट्रॉन्गली क्या है, सपोर्ट लेवल है 76 के आसपास। तो 76 में एक बार सपोर्ट है, दो बार सपोर्ट है, तीन बार सपोर्ट है, चार बार, पांच बार सपोर्ट ले रहा है। इस सपोर्ट का अगर तोड़ेगा तो एक बड़ा फॉल हो सकते हैं और वो फॉल अराउंड इस लेवल तक आ सकता है जो लेवल निकल कर रहा है 59 के आसपास। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहूंगा क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्गली इसका स्टेन देखने को मिले, और मैं अगर कंटिन्यू करूं, अगर यही लेवल को मैं मार्किंग करके चलूं तो मुझे कहां तक इसको वेट करना पड़ेगा, एज ए स्विंग बेसिस में देखो तो मुझे इसको वेट करना पड़ेगा करीबन करीबन 82% तक। तो मैं इस 81% तक इंतजार करूंगा, बाकी मैं कोई आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, तो प्लीज आप समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि किसी भी कंपनी का लाइफ टाइम हाई के नीचे अगर कोई भी पोजिशन बने तो पॉसिबिलिटी हायर होते हैं उस लेवल को जाने के लिए वो तैयार होंगे। हाँ, अभी करेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट नेगेटिव में है, मार्केट लगातार गिर रहा है, उसके कारण इसमें शेयर के ऊपर भी करेक्शन हो रहा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो का कंटेंट, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना, और इस वीडियो को सीखने के लिए आपके साथ शेयर किया हो तो प्लीज एक बार डीपली रिसर्च करके आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।